तो नमस्कार भाई, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में आपके अपने चैनल संचित तेवतिया में। तो भाइयों, पहले कटरे की कंडीशन देखिए, फिर भाई से बात करेंगे और आपको बता दें। आज हम आए हुए हैं गांव राजगढ़ी में, जिला बुलंदशहर। तो भैया, आज एक अच्छे शौकीन भाई के पास आए हुए हैं। तो भाइयों, इन पे घोड़ी भी, उसे भी दिखाएंगे बाद में। पहले आप कटरे की कंडीशन देखिए और भाई से बात करेंगे। पहले आगे से देखिए, सींग सिंगार और अगले पांव, चेस्ट, कटरे की हाइट और लेंथ देखिए। बढ़िया सिंगार देखो, एकदम मोटा लिकड़ा हुआ जड़ से, एकदम बढ़िया। और पांव देखिए अगले, एकदम बढ़िया साइड से। और पीछे पूछ पुट्ठा, तो भैया से बात करते हैं और पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। तो जी बात करेंगे भैया से। और जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो भाई, अपना एक बार परिचय दे दो जी, नाम, गांव, जिला। हमारा गांव है जी राजगढ़ी जी, और जिला है बुलंदशहर। नाम? नाम लक्ष्मण सिंह। भैया लक्ष्मण सिंह, राजगढ़ी गांव है, जिला बुलंदशहर। तो जी कितने दिन हो गए कटरे को आपके पास? कटरा हमने जी क्या हो गए, 1.5 महीना हो गए जी हमारे पास। 1.5 महीना। तो जी कहाँ से खरीदा था? पास के गांव में रहना से। अच्छा, रहना से खरीदा था। तो देखो भाइयों, अभी 1.5 महीने से लाए हैं कटरे को। तो जी किस लिए खरीदा गया कटरा? ये हमने तो गन्ना गेरने, धान, गंगा जी नहवाने। अच्छा जी, तो गन्ना मतलब गन्ने कटरे से गेरते और गंगा जी के लिए। अच्छा जी, तो भैया अपना काम करते हैं और गन्ने डालते हैं। तो भैया जी, कितनी दूरी पड़ती है गंगा जी के लिए आपके यहाँ से? गंगा जी हमारे यहाँ से पड़े जी 43 किलोमीटर। अच्छा जी, तो फिर तो इसकी तैयारी चालू कर दीजिए गंगा जी की। फिर तो चालू 1.5 महीना से। तो जी कितनी घुमाई चल रही है? घुमाई इसकी चल रही है जी, पूरी चल रही है 18-17 किलोमीटर। अच्छा, 18-17 किलोमीटर। तो मतलब किस तरीके से तैयारी कराते हो आप अपने जो कटरे की? तैयारी ऐसी कराती है जी का जो कैडी वाली। अच्छा, मतलब घुमाने का क्या तरीका रहता है आपका? घुमाने का तरीका ये हुआ कि 18, 20, 22, 20, 22, 25 के यहाँ पर चलते रहे भाई। तो मतलब इसे फिर भगाने का मतलब दिन या किस तरीके से, कब ले जाते हो? सुबह को ले जाओ। अच्छा जी, तो मतलब डेली ले जाते हो? नहीं नहीं, चौथे दिन। अच्छा, मतलब तो भैया देखो, भैया बता रहे हैं कि चौथे दिन घुमाई के लिए। हाँ जी, गर्मी तो बहुत है, गर्मी ज़्यादा। अच्छा, तो जी भैया जैसे आप बहुत से आदमी घुमा रहे हैं डंगर को, अगर उनका किसी के भैया का जैसे ना पता होती गर्मी हो जाए, तो उसके लिए भी आप कुछ बताना चाहते हो जैसे? जी अब गर्मी के में हमने तो इलाज अपने को पहले भी, तो 30 कटरा 2 साल पहले हमने तो इलाज करे ना हुए। मतलब गर्मी, उसमें गर्मी हो गई थी यहाँ? अच्छा, तो जी भैया का एक और पहला कटरा था जो कि गर्मी के कारण बेचना पड़ा। तो देखो भैया, और आपको दिखाते हैं, और अब भैया की घोड़ी दिखाएंगे आपको। तो जी घोड़ी को देखो जी भैया, घोड़ी देखो पहले एक बार आपको दिखा दें। तो जी भैया कौन सी नस्ल है? ये सिंधी नस्ल बता रहे हैं, हमें तो जानकारी करना है, सिंधी नस्ल है। सिंधी नस्ल, तो जी देखो, ज़्यादा जानकारी तो हमें भी नहीं है घोड़ी के बारे में। तो इनका कुछ पसंद करने का तरीका या क्या चीज़ देखते हैं, जैसे कुछ मोहरी वोहरी का खेल बताते हैं इसमें? इसके तो बोहरी ना होनी चाहिए, जो बोहरी है ना ये। अच्छा, आँखन के ऊपर होनी चाहिए, ये जैसे अंगूठा के भीतर न दबनी चाहिए, जो भीतर दब गई तो अशुभ है जी। शुभ ना, ये शुभ है। इसके यहाँ कहीं भी यहाँ मंगल पर कहीं भी बोहरी ना होनी चाहिए। और जो घोड़ी की लंबाई ज़्यादा होगी ना, घोड़ी के घोड़ा की, वो कम भाव। तो मतलब इसे आप भगाने के लिए आए हो या खाली शौक के लिए? अपने इस पे हम सवारी लेने के लिए सवारी लेते हैं। किसी बच्चा बैठा थे, कैसे भी हो, अगर 5 साल का बच्चा हो, बूढ़ा आदमी हो, तो चल बेटी जैसे चलाओगे ऐसे चलोगे। तो देखिए भैया, जो बता रहे हैं भैया बोहरी नहीं होनी चाहिए, और भी कुछ इसमें देखने के लिए होता हो घोड़ी में? हो गए जी, और कुछ ना होता जी। अच्छा, और बस ये हमें ज़्यादा लंबाई की में हुआ टाकी जो या जो ये 18 अंगल की होनी चाहिए, जो 20 अंगल की उठाड़ी ज़्यादा हो जाएगी, चली जाएगी 62-65 चली जाए। तो अभी कितना बच्ची है अभी, मतलब इसमें भी कुछ दांत वातों का होता है जी? हाँ, दांतन को हो गए जी, इसमें 4 दांत है। अच्छा, अभी 4 दांत है। तो जी ये कहाँ से खरीदी थी आपने? ये हमने
कासगंज से जो आगे 16 किलोमीटर पड़ता है सोरो मेला। हाँ सोरो मेला से खरीदी। किस जिले में पड़ता है जो? ये जिले की तो जो हमें जानकारी नहीं। हाँ कासगंज अलीगढ़ जिले में पड़ा हुआ। अलीगढ़ से बहुत आगे अलीगढ़ जिले में नहीं है कासगंज खुद ही जिलो तो देखो भैया बहुत दूर से मतलब अपने शौक के लिए लगभग कितने किलोमीटर पड़ जाता होगा ये कासगंज यहाँ से? हाँ जी यहाँ से 230 किलोमीटर। भैया 230 किलोमीटर दूर घोड़ी को लेने गए थे, वहाँ से पसंद करके लाए भैया घोड़ी को। देखिए दिखाते हैं आपको, हाँ जी वो रेत में सनी हुई है तो इसलिए भैया ज़्यादा साफ नहीं आ रही है। सीधी फिनी है, कोई भी बैठ जाओ देख कोई कैसे चीज दे। चलो तो जी ठीक है भैया धन्यवाद। और ये भाई का कटरा है,